10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने का 25 साल तक, 25 साल के बाद हर महीना 80,000 का आपको फिक्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इंस्टॉलमेंट मिलना चालू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग SIP है। नॉर्मली हम देखते हैं SIP में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बड़ा अच्छा कॉर्पस बना के देते हैं, लेकिन इस SIP में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप इंक्लूड करके मंथली इंस्टॉलमेंट्स अपने पेंशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने रिटायरमेंट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं हर महीना, और उसमें अच्छा खासा आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। ये SIP कहा जाता है ड्रीम SIP। ड्रीम SIP का मतलब है SIP विथ SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये दोनों चीज़ का जब कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलता है। साथ ही में जो कॉर्पस जमा होता है वो भी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कॉर्पस एक लिमिटेड अमाउंट मिल जाता है, लेकिन जो मेन कॉर्पस है उसमें आप मंथली इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर महीना कुछ विड्रॉल कर सकते हैं एज़ पर योर फिक्स टेन्योर एंड एज़ पर योर फिक्स अमाउंट जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग SIP है। 3 कंपनीज यहाँ पे, ये 3 बैंक्स स्पेशली मैं कहूँगा यहाँ पे ये SIP अच्छे खासे प्लान्स के साथ, अच्छे खासे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे इस समय मार्केट में अवेलेबल है। और उसमें से सबसे बढ़िया प्लान ड्रीम SIP का अगर आपको चाहिए तो वो है HDFC ड्रीम SIP। HDFC ड्रीम SIP के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही में काफ़ी सारा डिटेल जानेंगे इस स्कीम के बारे में और कैसे आप इस स्कीम का फ़ायदा लेके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉर्पस तो आपका कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जमा होगा ही, लेकिन कह सकते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे उस पर्टिकुलर अमाउंट से आप कैसे हर महीना इंस्टॉलमेंट में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और जब वो पूरे यूनिट्स ख़त्म होते हैं या फिर आपका जो टेन्योर पूरा ख़त्म होता है, दो चीज़ है, या तो उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म पहले हो जाए या फिर आपके यूनिट्स पहले ख़त्म हो जाए, दोनों में से जो भी पहला होगा उस टाइम पे जो भी आपके बैलेंस यूनिट्स बचे होंगे उसका भी कॉर्पस आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने अब तक वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो की शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में 2 बार जो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स और वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियोज़, वो आपको मिलते रहे। और इससे आपके पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स काम आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं SIP के बेनिफिट्स क्या है। हम सभी जानते हैं इस पोस्ट पेंडेमिक में SIPs का जो फ्लो बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। अगर प्री पेंडेमिक की बात करें और पोस्ट पेंडेमिक की बात करें तो दोनों के वॉल्यूम्स अगर आप कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ जस्ट SIP सेगमेंट तो वास्ट डिफरेंस आ चुका है। यानी मैच्योरिटी या फिर लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे यूथ में बढ़ चुकी है पोस्ट पेंडेमिक, और उतने ही ज़्यादा SIP आ रहे हैं। और SIP का पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में आ रहा है या फिर डेप मार्केट्स में जा रहा है या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है जहाँ पर आप SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले SIP में बेनिफिट्स क्या है, सबसे बड़े 4 बेनिफिट्स क्या है। एक डिसिप्लिन आ जाता है फाइनेंशियल हैबिट का, यानी हर महीना आपको पता है कि इतना अमाउंट का मुझे SIP करना है, यानी फाइनेंशियली आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। साथ ही में SIP आपको मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसमें मदद करता है, यानी कई बार हम मार्केट में 24/7 या फिर 7 days a week हम नहीं दे पाते, उस सेगमेंट उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में SIP का जो फिक्स अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज मैनेज करते हैं, जिससे आपका मार्केट वॉलेटिलिटी ईजिली मैनेज होता है। साथ ही में SIP में अगर हम देखें तो चार्जेस काफ़ी कम हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के, और सबसे बढ़िया बेनिफिट कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से SIP का बेनिफिट मिलता है, जो शायद इक्विटी मार्केट में इस समय जो पिछले 1 से 1.5 साल का व्यू है इक्विटी मार्केट का, वो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्योरली फ्रॉम इक्विटी मार्केट और ट्रेडिंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की जहाँ तक बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे अगेन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैच्योरिटी आपकी होती है उस पर्टिकुलर प्लान की तो सिस्टमैटिकली विड्रॉल आप कर सकते हैं अपने यूनिट्स का, जिससे आपको मंथली इनकम जनरेट होता है और वो आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सभी तरीके गोल्स में आप फुलफिल कर पाएंगे। सबसे बड़ा, इन्फ्लेशन को आप मैनेज कर पाएंगे। जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू भी थोड़े कम होते हैं, लेकिन SWP के थ्रू आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी इन्फ्लेशन को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।
हर महीना फिक्स इनकम हो जाएगी आपकी, जो भी आपको फिक्स अमाउंट चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी हर महीना फिक्स इनकम हो जाएगी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू हैव डन। आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ने के बाद उसमें से हर महीना आप विड्रॉल कर पाएंगे और साथ ही में टैक्स बेनिफिट तो SIPP में मिलेगा, साथ ही में SWPP में भी मिलेगा आपको। तो ये चार सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। अब अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीना SIP का, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है और जब वो मैच्योर होता है, फॉर एग्जांपल आपने 25 साल का SIP किया है, 25 साल के बाद आपका जब SIP ग्रो हो जाएगा कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स अमाउंट में, उस एक्स अमाउंट का जो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट चाहेंगे वो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको मिलते रहेगा, साथ ही में जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो तो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो हो ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 25 साल का SIP लिया है और 25 साल के बाद आपने 15 साल का विड्रॉल किया है, यानी 40 साल तक आपको वो मिलते रहेंगे और बिफोर 40 ईयर्स अगर आपके यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको विड्रॉल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर फुल 40 ईयर्स तक आपके यूनिट्स आपको विड्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं, यानी 15 साल में आपको कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं हर महीना, और उसके बाद भी अगर कोई यूनिट्स बच रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ, वो आपको 15 साल के एंड पे एज अ मैच्योरिटी अमाउंट फाइनल मिल जाएगा। तो ये सिंपल भाषा है, जो आप पैसा SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे रहे हैं वही पैसा आपके बैंक में आ रहा है आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड और वो मंथली इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा टिल द यूनिट्स आर कह सकते हैं बैलेंस्ड, और उसके बाद अगर उसके पहले अगर आपके यूनिट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो रेयर सिनारियो होता है क्योंकि जो भी आपके यूनिट्स होते हैं वो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रो होते हैं। HDFC ड्रीम SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे अगर हम कहें तो पैसिव इनकम हो जाता है आपका। जब आप रिटायर होते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए होता है कि पैसिव इनकम कहाँ जनरेट करें। इस समय मल्टीपल सोर्सेज है पैसिव इनकम के, और पैसिव इनकम को कैसे जनरेट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करना है, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल पे जाइए। 3 लेटेस्ट वीडियोस है, उसमें से 2 वीडियोस है हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, Part 1, Part 2 देखिएगा प्रॉपरली, और तीसरा हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी देखिए। उसमें आपको काफ़ी सारे वेज मिल जाएंगे जहाँ अपने रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको यूजफुल मिल जाएंगे। HDFC ड्रीम SIP की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले नॉर्मल SIP चालू करना है, लेकिन आपको उसमें SWP को इंक्लूड करना है, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को इंक्लूड करना है, और काफ़ी सारे स्कीम्स हैं इसमें। ऑप्शन ए में ये सब स्कीम्स जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में ऑप्शन बी भी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, उसमें भी एज़ पर योर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एज़ पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, एज़ पर योर विजन आप चूज़ कर सकते हैं प्लान्स को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP और SWP का आपको मिक्सचर लेना है, यानी प्रॉपरली ये प्लान्स को लेना है। अब सिंपल भाषा में और आपको अगर समझाऊं तो मैं SIP का टेन्योर अगर आप 7 साल का लेते हैं तो 7 साल के बाद 1 time ऑफ योर इनिशियल मंथली SIP इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी अगर 7 साल के बाद आप इंस्टॉलमेंट 7 साल का टेन्योर लेते हैं और आपका मंथली SIP 5,000 का है तो उसके बाद जो भी आपका अमाउंट बनता है उस अमाउंट का हर महीना 5,000 रुपये आपको मिलते रहेगा टिल द टाइम योर बैलेंस द यूनिट्स आर बैलेंस और आपका जो टेन्योर है टोटल टेन्योर, यानी HDFC ड्रीम SIP की बात करें तो उन्होंने फाइनल डेडलाइन जो रखा है वो है 31 December 2099। ये उनका एक फिक्स उन्होंने एक रूल रखा है 31 December 2099, यानी 2099 तक ये आपको मिलते रहेंगे और उसके पहले अगर आपके यूनिट्स ख़त्म हो गए तो फिर आपको मिलना बंद हो जाएंगे। अगर आप 10 साल का ले रहे हैं SIP और आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा 1.5 times, 12 साल का 2 times, 15 ईयर्स का अगर आप SIP ले रहे हैं तो 3 times आपको इंस्टॉलमेंट मिल 3 times का आपका इंस्टॉलमेंट, यानी 5,000 का SIP अगर आप ले रहे हैं और टेन्योर रख रहे हैं आपका 15 साल का, यानी 15 साल के बाद हर महीना 15,000 का आपको इंस्टॉलमेंट मिलना चालू हो जाएगा, वो जो होगा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। 20 ईयर्स का ले रहे हैं तो 5 times और 25 ईयर्स का अगर आप ले रहे हैं तो 8 times मिलेगा। अब इस एग्जांपल को मैं बहुत ही सिंपल बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप 25 साल की SIP लेते हैं, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने का 25 साल तक, 25 साल के बाद हर महीना 80,000 का आपको फिक्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इंस्टॉलमेंट मिलना चालू हो जाएगा टिल द टाइम यूनिट्स आर बैलेंस और 31 December 2099। जो पहले आया वो आपको 80,000 तक मिलेगा और जैसे ही आपके यूनिट सब खत्म हो जाते हैं आपको इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाएगा। यानी जो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉर्पस ग्रो हुआ है उसमें से हर महीना आपको एक फिक्स अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे मिलने लगेगा
टेन्योर आपको चूज करना है। जितना लंबा टेन्योर चूज करेंगे उतना ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स में आपको आपके जो SIP का अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। हाईएस्ट उन्होंने दिया है 30 ईयर्स का स्लैब जिसमें 12 टाइम्स तक मिलेगा आपको। यानी अगर आप 30 साल का SIP लेते हैं टेन्योर और मंथली SIP 10,000 का करते हैं तो 30 साल के बाद आपको हर महीना 1,20,000 रुपया मिलेगा जो आपके यूनिट्स जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो या फिर 31 दिसंबर 2099 तक आपको ये चलते रहेगा। जैसे आपका स्क्रीन का आपको दिख रहा है स्वैप अंडर दिस फैसिलिटी शैल बी प्रोसेस्ड अप टू 31 दिसंबर 2099 और टिल द यूनिट्स अक्वायर्ड अंडर दिस फैसिलिटी और अदरवाइज आर अवेलेबल इन द स्वैप सीम विच एवर इज अर्लियर। यानी आपके यूनिट्स पहले ख़त्म हो गए तो इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाएंगे या फिर आपको 31 दिसंबर 2099 तक ये इंस्टॉलमेंट मिलते रहेंगे। तो काफ़ी बढ़िया स्कीम है HDFC ड्रीम SIP, साथ ही में SBI की तरफ से भी एक ड्रीम SIP अवेलेबल है और साथ ही में ICICI प्रोडेंशियल की तरफ से भी अवेलेबल है। लेकिन अगर तीनों को कंपेयर करें तो इस समय HDFC ड्रीम SIP काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग फुल टाइम मार्केट को नहीं दे पाते या फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाते या फिर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया प्लान है। और साथ ही में स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा जो जिनका व्यू लंबे समय का है या रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं या फिर चाइल्ड एजुकेशन प्लान चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ड्रीम SIP में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो ड्रीम SIP का वीडियो है वो बहुत ही पसंद आया रहेगा आपको। और भी अगर कुछ जानना है इस ड्रीम SIP के बारे में तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए अपने क्वेश्चंस को। साथ ही में और एक तरीका है अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करने के, इनफैक्ट दो तरीके हैं। एक तो एवरी सैटरडे YouTube लाइव में जुड़ जाइए जहाँ पे एग्जैक्टली जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सेशन में जुड़ने के पहले नोट डाउन कर लीजिए। एवरी सैटरडे दोपहर को 3 से 3:30 के बीच में ये सेशन कंडक्ट होता है। आपके क्वेश्चंस को लाइव सेशन में पूछिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, जो लोग अपने पोर्टफोलियो को संभाल नहीं पा रहे हैं इस मार्केट के वॉलीटिलिटी के माहौल में वो लोग एडवाइजरी प्रोडक्ट में अलॉटमेंट ले लीजिए। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को सबसे पहले मैनेज किया जाएगा, साथ ही में लॉन्गर टर्म व्यू से, बेसिकली हमारा व्यू लॉन्गर टर्म व्यू का है, लॉन्ग टर्म व्यू से कैसे आपके पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाया जाएगा इसके लिए आपको टिप्स दिए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करवाना है। साथ ही में FNO बेस, इंट्राडे बेस और साथ ही में डिलीवरी बेस आपको कॉल्स दिए जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी एडवाइजरी प्रोडक्ट में। तो एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में जानना है और साथ ही में YouTube लाइव में जुड़ना है तो देर ना करिए, जल्दी से जल्दी एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में YouTube लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो के एंड में भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये SIP का फ़ायदा हो और अच्छे से वो भी अपने रिटायरमेंट या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्रॉपरली इस SIP के थ्रू प्लान कर पाए। थैंक यू।